मीडिया का थैंक यू अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुशी की बात है कि एक बॉलीवुड की मूवी है, फर्स्ट बॉलीवुड मूवी है जिसको किसी कश्मीरी सिटीजन ने प्रोड्यूस भी किया है, डायरेक्ट भी किया है। मूवी का पोस्टर आप लोगों के पीछे लगा है, हमारे पीछे सॉरी है तुझे सलाम इंडिया, पेट्रियाटिक मूवी है। इसकी जो लीड्स है एजाज खान है, आर्या बब्बर है, सुमिता गुंडकर है, हमारे इस मूवी के लीड विलन एक्टर उमर साहब है, मीर सरवर, सलमान भट्ट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये था कि हमारी जो मूवी है इसकी प्रमोशन चाहिए मीडिया के थ्रू, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमें कश्मीर जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी किए हैं जिनमें हमने कश्मीरियों को लिया है, जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे इसमें काम किया है। तो रिसेंटली हमारी एलजी साहब से मुलाकात हो गई, तो उसमें ये हमें श्योरिटी मिली है कि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमें अच्छी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट में हमें बहुत सारी मुश्किलें भी ऐसी आ गई जिनको हम मीडिया के सामने मतलब दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने प्रोड्यूसर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। पहले बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब आज बहुत बीमार हो गए, जिसके कारण हमें आज को प्रोड्यूसर को बुलाया गया है यहाँ पर, तो इसमें मीडिया का भी थैंक यू अदा करना चाहते हैं। तो इस मूवी के रिगार्डिंग हम उमर साहब आपके साथ तारुफ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर मीर है, मैं बेसिकली कश्मीर से ही हूँ। एक्चुअली ये एक मूवी, एक रियलिस्टिक स्टोरी है जो बिहार में कुछ इंसिडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले। तो इस मूवी का नाम है तुझे सलाम इंडिया। इस मूवी का डायरेक्टर अवनीश कुमार और प्रोड्यूसर अरबाज भट्ट हैं। तो मेरा रोल ये है कि मैं एक विलन हूँ इस मूवी में। मेरे लिए ये एक चैलेंजिंग रोल था, और एक कश्मीरी इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहा है ये भी एक चैलेंजिंग है, क्योंकि एक कश्मीरी ऐसी मूवी बना रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा है कश्मीर के ऊपर, जो भी सब्जेक्ट हमने देखा है कि डिफरेंट, ये हम नया ला रहे हैं, है तुझे सलाम इंडिया। टाइटल ऐसा है कि चैलेंजिंग है आगे दिखाने के लिए। तो हम अभी ये मैसेज दे रहे हैं यूथ को, क्योंकि अभी यूथ, जैसे कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट है, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, तो यूथ अभी आ रहा है इनकी तरफ। तो हमारी यही मैसेज है, अगर गवर्नमेंट इस पे देखे तो यूथ अभी आ रहा है। तो रिक्वेस्ट ये है कि अभी यूथ की तरफ सब आ रहे हैं, इसकी तरफ सब आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कि मीडिया अभी है, तो मीडिया का भी ये रोल है कि आप भी इस मैसेज को आगे तक पहुँचाए। और इस मूवी में मैं एक विलेन का रोल कर रहा हूँ कश्मीरी पहली बार, और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, और मुझे इस मूवी में हेल्प की है एजाज खान ने, और उसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं भाई आप करोगे। और आर्या बब्बर, सुमिता गुंडकर, कवलप्रीत, इनका ब्रदर सलमान भट्ट, तो उन सब का शुक्रिया। तो आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम बहुत सारे कश्मीरी यूथ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एंड थैंक यू सो मच। और भी हमारे को प्रोड्यूसर साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरमान भट्ट है, और मैं इस मूवी का को प्रोड्यूसर हूँ। ये मूवी हमने 2018 में स्टार्ट की थी, ड्यू टू पैंडमिक हम इसे थिएटर्स में रिलीज़ नहीं कर पाए, लेकिन अब हमने इसे OTT हंगामा प्ले पे रिलीज़ करने जा रहे हैं। अब हमें सबका सपोर्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि हर कोई इसे आगे पहुँचाए, सबके पास पहुँचे। और हमारा मोटिव ये भी है कि हम इसे यहाँ के लोकल यूथ को प्रमोट करना चाहते हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि हमने ये पहली मूवी वहाँ हमारे रेडियो प्रोडक्शन के अंडर बनी है, ये इसमें आगे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था इस मूवी में, इसमें आगे और भी सब बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे। तो किस साहब ने भी हमसे पिछली बार बात की थी, कहा कि आप यहाँ के उनको प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए, हम उनके साथ भी ये तारुफ हो चुका है, हम यहाँ के यूथ को भी प्रमोट करेंगे, यहाँ चांस भी मिलेगा बहुत लोग को, और बात की इन्वेस्टमेंट भी आएगी। एक्चुअली मेन बात जो है, जम्मू कश्मीर के जितने भी नागरिक बाहर बॉलीवुड की तरफ जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ी दूसरी नज़र से देखा जा रहा है, बहुत ही चांस कम मिल रहा है उनको। तो इसके कारण मैं थैंक यू अदा करना चाहता हूँ अपने प्रोड्यूसर का, जिसने एक रेडवुड प्रोडक्शन, एक श्रीनगर ब्रशर प्रोडक्शन हाउस खोला, उसके बाद इस मूवी की शुरुआत की, इसकी स्टार्टिंग की। तो इस मूवी में कितनी मुश्किलें आ गई है प्रोड्यूसर साहब जानते हैं, क्योंकि बीच में हम मजबूर हो गए थे मूवी छोड़ने पर। मूवी का जो बजट वो तो मतलब करोड़ों में है, 6 करोड़ नियर बाई टच है इस मूवी का। तो अभी हम लोगों से इस उम्मीद में बैठे हैं कि आने वाली जो मूवी है इसको आप थोड़ा प्रमोट कीजिए। ये मूवी हम कल रिलीज़ करने वाले हैं हंगामा प्ले, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, OTT है। हम लास्ट ईयर इसको रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन कुछ पैंडेमिक, ये जो कोविड की पैंडेमिक आई, इसके कारण हम इसको रिलीज़ नहीं कर सके।
ये बार भी हम इसको थिएटर में रिलीज करने ही वाले थे, उसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई कोविड की, जिसके कारण बहुत सारे स्टेट्स में थिएटर बंद हो गए। तो हमने सोचा इस मूवी से बहुत सारा नुकसान हो सकता है अगर ये थिएटर में रिलीज करेंगे, क्योंकि बहुत हम थिएटर हम देख चुके हैं, आगे अंदर मूवी देख चुके हैं, क्योंकि वहाँ क्या हालत रहती है। जिसके कारण हमने ये डिसाइड लिया, हमने फैसला लिया आफ्टर मीटिंग्स के, कि हम इस मूवी को ओटीटी पे लाएंगे।